आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की। हिम्मत सिंह हाड़ा पहुंचे केशव राय पाटन। राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में आज राष्ट्र निर्माण संगठन RNS की संस्थापक हिम्मत सिंह हाड़ा केशव राय पाटन में एक ही परिवार के सात लोगों की मलबे में दबने से हुई मौत पर उनकी दादी और उनके 10 वर्षीय बेटे श्रीराम धर्मशाला में आश्रित परिवार से मिलने पहुंची। परिवार में बची 80 वर्षीय दादी ने भावुक होकर बताया कि उनकी आंखों के सामने कैसे पूरा परिवार खत्म हो गया। उनकी व्यथा सुनकर हिम्मत सिंह हाड़ा भी भावुक हो गए और मौके पर ही उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, आवास एवं शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए केशव राय पाटन नगर पालिका को पत्र दिया। 10 वर्षीय के बालक सूरज केवट को निजी प्राइवेट स्कूल पाटन में सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम सिल्वर वेल्स स्कूल में एडमिशन करवा दिया। कोटा से वरजीत सोहन सेन की खास रिपोर्ट। जो पहाड़ सात परिवारों को लेके चला गया, ये ऐसा वज्रपात है जिसको आज तक भी ये परिवार सहन नहीं कर पा रहा है। छोटा सा बच्चा है, इसका नाम सूरज केवट है। पिता ने नाम सूरज की तरह रखा, हम तो यही चाहेंगे ये सूरज की तरह वापस से खड़ा हो, अपने पाँव पे खड़ा हो। उसके लिए आज केशवराय पाटन के अंदर ही इस बच्चे की इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जब तक ये बच्चा पढ़ेगा, इस बच्चे की शिक्षा वहीं पर निःशुल्क होगी, ताकि ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होगा। और आज यहाँ पर इस परिवार में हम लोग आए हैं नगर पालिका के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के समर्थन से प्रस्ताव लेकर। इस परिवार के अंदर दो युवा हैं अभी जो इस परिवार का हिस्सा हैं, एक बालिग हैं एक नाबालिग हैं 17 साल के, जिनकी उम्र कम है और वो पढ़े लिखे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि केशव राय पाटन विकास संघर्ष समिति और जितने भी यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि हैं पार्षद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.